हेलो गाइस, मैं सनोज और आप देख रहे हैं टेक्निकल कोडिंग सपोर्ट। हमारे चैनल में स्वागत है सबका। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप सीलिंग फैन को किस तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ़ैन जो हमारा है यहाँ पर रुका हुआ है, तो यहाँ पर चलते हैं, देखेंगे एनिमेशन किस तरीके से करना है। सबसे पहले फ़ैन को आप यहाँ से क्रिएट में जा करके, ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जा करके यहाँ पर फ़ैन लिख करके यहाँ पर फ़ैन आ जाएगा, तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इसको सेट कर लेना है। तो चलते हैं, सेट करके दिखाते हैं। इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से डबल क्लिक करके हम इसको देख सकते हैं, यहाँ से ये हो गया है। अब इसको हम सिंपली यहाँ से माउस का दोनों बटन दबाए रखेंगे, इस तरीके से आगे पीछे करेंगे तो ये आगे पीछे इस तरीके से जाएगा। उसके बाद लेफ़्ट माउस का बटन दबाए रखेंगे तो इस तरीके से आगे जाएगा। इस तरीके से अगर करेंगे दोनों माउस को, अब इस समय क्लिक किए हुए हैं तो ये ऊपर जा रहा है। और फिर हमने लेफ़्ट माउस को सिर्फ हमने क्लिक किया हुआ है और इस तरीके से ये आगे जा रहा है। तो हमने इस तरीके से इसको सेट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको हम और थोड़ा सा आगे सेट करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ओके गाइस, तो हमने इस तरीके से सेट कर दिया है। तो आपको बस यहाँ पर सेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं इस पे लॉक करना तो यहाँ पर लॉक भी लगा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं लॉक लग गया है। अब इसको देख सकते हैं ये हमारा फ़ैन क्या है, सेलेक्टेड है। ओके, तो हम डायरेक्ट में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे चले आएँगे तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट मोमेंट, तो यहाँ पर मोमेंट पर आपको चूज करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोमेंट यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेक्टेड होना चाहिए। और स्विच टू प्रिपेयर, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे तो स्विच टू प्रिपेयर पे कर दिया हमने। तो यहाँ पर नॉट एनिमेटेड पहले से डिफ़ॉल्ट होता, तो डायरेक्टेड में जाएंगे। ओके, यहाँ पर कुछ चीज़ें हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर रोटेशन जो स्पीड है वो बहुत, यहाँ पर देख सकते हैं 50% है, तो हम इसको 100% करने वाले हैं। और मोमेंट स्पीड भी हम 100% करने वाले हैं कि ताकि फैन तेज़ी से राउंड हो। ओके, और इसके बाद ग्रेविटी भी स्मूथनेस थोड़ा सा हम ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। ओके, स्विच टू डायरेक्ट में जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से आपको यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं टाइमलाइन आ गया होगा। यहाँ पर सिंपली हम रिकॉर्ड पे करेंगे और हमारे पास चार एरो बटन मिल जाती हैं, तो आपको राइट एरो बटन दबाना है। ओके, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे राउंड राउंड करेंगी। ओके, तो आपको एनिमेशन जितना समय चाहिए उतना समय आपको दबा कर रखना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं रिकॉर्डिंग पे और यहाँ पर देख सकते हैं 3 2 1। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से दबा रहे हैं और इस तरीके से फ़ैन बहुत तेज़ी से नाच रहा है। ओके, तो जितना लंबा हमें रखना है उतना लंबा हम दबाए रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बस हम इतना बहुत है। ओके, अब इसको हम रोक दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं हमने रोक दिया है। ओके, तो हमने देख सकते हैं कि यहाँ तक रिकॉर्डिंग किया है। ओके, यहाँ तक हमने रिकॉर्डिंग कर लिया है। अब इसको हम चेक देखते हैं, अब इसको कंट्रोल टी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा और यहाँ पर नॉर्मली आपका फ़ैन आ जाएगा। ओके, अब इसको हम यहाँ से पहले हम इसको इधर खींच लेते हैं, स्टार्टिंग में कर लेते हैं। ओके, अब इसको हम स्टार्ट करके देखने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं प्ले, यहाँ प्ले करेंगे तो देख सकते हैं ये फ़ैन पूरा राउंड राउंड चल रहा है। ओके, तो देख सकते हैं इस तरीके से आप फ़ैन को रोटेट करवा सकते हैं, यानी कि इस तरीके से एनिमेशन करवा सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आपको लेफ़्ट और राइट अगर करना है आपको, अगर तो देख सकते हैं यहाँ पर एनिमेशन रुक गया क्योंकि यहाँ पर इतना ही हमने लंबा करवा किया है, तो इस तरीके से ये एनिमेशन रुक गया। अगर आपको लेफ़्ट या राइट करना है, यानी कि अगर लेफ़्ट टू राइट, तो इस तरीके से आपके पास दो बटन मिल जाते हैं, एक लेफ़्ट और राइट। तो हमने राइट वाला दबाया था, आप लेफ़्ट वाला दबाकर उसके विपरीत दिशा में आप फैन को चला सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे फ़ैन पे। ओके, तो पहले जूम कर लेते हैं फ़ैन पे। ओके, थोड़ा सा और जूम करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं फ़ैन है। अब फ़ैन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे फ़ैन पे,
तो यहाँ पर देखते हैं सीलिंग फ़ैन की क्या आ चुकी है, प्रॉपर्टी आ चुकी है। यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाएंगे सिंपली, और यहाँ पर इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पर देख सकते हैं इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, या फिर आप यहाँ पर सिंपली हटा देते हैं इसको पहले, और यहाँ पर एक के ओके यहाँ पर देख सकते हैं ग्लो, जितना भी करेंगे आप ये उतना ग्लो करेगा। ओके तो सबसे पहले अब हम लैम्प पे चलते हैं, एंड लैम्प को हम दूसरा कलर कर देते हैं ब्लू। देख सकते हैं अब इसको ग्लो थोड़ा सा और करवाने वाले हैं, तो इस तरीके से ग्लो करेगा। ओके तो यहाँ पर लैम्प भी है और फैन भी इंक्लूड इसमें है। ओके और इसके फ्रेम को अगर आप चाहते हैं दूसरा कलर करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई भी कलर्स कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इजी से हो जाएगा। ओके तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं छत में जो ये लगा हुआ है उसका कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम चेंज करने वाले हैं ब्लेड्स, यानी इस ब्लेड जो हमारी है उसका कलर हम चेंज करने वाले हैं। तो इसका क्या कलर रखें, वाइट कर दें, नहीं नहीं वाइट नहीं, ये कलर रखें येलो कर दें, नहीं उसी गलत तो हमारा दरवाज़ा है वो क्या कहते हैं, तो हाँ ये ब्लू कलर रखते हैं। देख सकते हैं ये हमने कर दिया है, और अब थोड़ा सा कंट्रोल टी दबाएंगे तो इसको फिर से हम स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से आ रहा है। गाइस तो देख सकते हैं कितना स्मूथ ये फैन चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो आई